नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में कर दिया गया है। ये जो अपडेट है वो 20.0 का एक नया अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी पोषण ट्रैकर ऐप में, उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम थी और आप लोगों को कहां कहां पे दिक्कत हो रही थी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और क्या क्या अपडेट आया है वो सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, अटेंडेंस जब आप लोग यहाँ पे खोल रहे थे तो यहाँ पे देखिए ना बच्चों का अटेंडेंस हो रहा था, ना मॉर्निंग स्नैक्स हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम सभी सेविका बहनों को हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो AWC फोटो कैप्चर है वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम अब आप लोगों को सॉल्व कर दी गई है। इसके लिए अब आपको करना क्या है कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार अपडेट कर लेना होगा। अपडेट कैसे करना है, यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आकर यहाँ पे आपको सर्च करना है पोषण ट्रैकर, ठीक है। इस प्रकार से लिख के पोषण ट्रैकर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 प्रॉब्लम को यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सभी प्रॉब्लम सेविका बहनों को हो रही थी, तो उनको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या था, डाटा रिफ्लेक्शन इशू ऑन द प्रोफाइल कार्ड, यानी कि जो बेनिफिशियरी का प्रोफाइल कार्ड होता है वहाँ पे जो डाटा रिफ्लेक्शन इशू हो रहा था, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। दूसरा अपडेट है बग फिक्स फॉर बेनिफिशियरी लिस्ट इन अटेंडेंस, जैसा कि अभी आपको दिखाया कि जो अटेंडेंस में बग फिक्स था उसको भी यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है फिक्स द क्रैश इशू ऑन द अटेंडेंस स्क्रीन, यानी कि अटेंडेंस की स्क्रीन जो आप लोगों को दिख रही थी वहाँ पे जो बच्चों का अटेंडेंस दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको अब इस अपडेट के बाद ठीक कर दिया गया है। वहाँ पे बच्चों के अटेंडेंस अब आप लोगों को आसानी से दिख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा अपडेट है फिक्स नेटवर्क नॉट रीचेबल मैसेज इन द बेनिफिशियरी लिस्टिंग, जैसा कि आप लोग बेनिफिशियरी लिस्टिंग करते होंगे तो वहाँ पे फिक्स नेटवर्क नॉट रीचेबल का मैसेज आप लोगों को प्राप्त हो रहा होगा, तो वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की ठीक कर दी गई है। और पांचवा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कुल मिलाकर बात की जाए तो पोषण ट्रैकर ऐप में यहाँ पे 4 प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक कर दिया गया है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और पांचवा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन, जो हर अपडेट के साथ आप लोगों को भेजा जाता है, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए है। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप सभी सेविका बहनों को अपडेट कर लेना होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको बारी बारी से सभी जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कैसे ठीक हुआ है उसको दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट होकर ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेली ट्रैकिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे जो मॉर्निंग स्नैक्स और अटेंडेंस वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी आप लोगों का यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स और अटेंडेंस 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं राइट साइड के कोने में, तो उस पर आप लोगों को 2 बार 3 बार टैप कर देना है। जैसे ही इस प्रकार से करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की अब फिक्स कर दी गई है, यानी कि अब आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो AWC फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि कई सारी आंगनबाड़ी बहनों का कमेंट आ रहा था कि AWC फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा है, तो उसका भी प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो चुका है। देखिए, यहाँ पर हम एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रात के टाइम में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ़ोटो हम क्लिक कर ले रहे हैं इस प्रकार से आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे सही का निशान पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फ़ोटो है वो फिर से यहाँ पे बैक हो जा रहा है, जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही थी। इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही थी कि फ़ोटो जब भी आप लोग क्लिक करते थे होम पेज पर दोबारा आ जाते थे, तो ये प्रॉब्लम अभी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, यानी कि अभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, फिर से हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने फ़ोटो कैप्चर किया और इस पर सही पे निशान लगाया,
तो उसके बाद यहाँ पे फिर से ये होम पेज पे लेके आ जा रहा है। फोटो अपलोड करने का जो प्रॉब्लम है वो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसा कि प्रोफाइल कार्ड का बारे में जो अपडेट आया है, यहाँ पे जो प्रोफाइल कार्ड में इशू आ रही थी वो इशू भी आप लोगों को यहाँ पे ठीक कर दी गई है, ठीक है। बाकी जो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हमें मालूम चले कि आप लोगों को और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसके बारे में हम वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। जैसा कि अभी जो प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें काफ़ी सारी बहनें जो है पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देती थी, डाटा इरेज कर देती थी, फिर भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो ये अपडेट आया है, यहाँ पे जो मेन अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स वाला है वो यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अब जो भी बच्चे का अटेंडेंस है, मॉर्निंग स्नैक्स है, वो दिखने लगा है। बट यहाँ पे जो AWC फोटो वाला ऑप्शन जो है वो अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।